खबर आ रही है पालघर के वसई विरार से। वसई विरार में अवैध फेरी वालों के गुंडा राज से आम जनता से लेकर मनपा कर्मचारी भी परेशान है। फेरी वालों की गुंडई एक बार फिर सामने आई है। सोमवार को रहमत नगर इलाके में कार्रवाई करने गए मनपा कर्मचारी को फेरी वालों ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संभाला। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 6 लोगों पर मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उल्लेखनीय है कि वसई विरार में अवैध फेरी वालों की दादागिरी से आम जनता भी परेशान है। खरीदारी करते समय मोल भाव करने पर यह दादागिरी पर उतर आते हैं। मनपा कर्मियों के साथ मारपीट के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को शाम 6 बजे प्रभाग समिति ब के कर्मचारी मधुकर गणपत डोंगरे टीम के साथ तारोसपारा पूर्व के रहमत नगर इलाके में अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई करने गए थे। तभी कुछ हाथ गाड़ी वाले फेरी वालों ने डोंगरे पर हमला कर दिया। टीम बीच बचाव में आई तो फेरी वाले गाली गलौज पर उतर आए व धक्का मुक्की करने लगे। इस बीच फेरी वालों ने डोंगरे को गिरा दिया और लातों से उनकी पिटाई कर दी। फेरी वालों के गुट ने वहां जमकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नियमों का आम आदमी पालन नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी पड़ रही है, क्या कहना चाहोगे इस विषय? कुछ लोग हैं उनको अभी तक समझ में नहीं आया एग्जैक्टली लॉकडाउन उसके रूल। हम बार बार उनको गाड़ी पर जो हमारे पीए सिस्टम उसके द्वारा सूचना देते हैं, कुछ वीडियो हमने डाउनलोड करके बताए, मगर कुछ लोग हैं वो बाहर निकलेंगे प्रेस करते, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस है उन लोगों को घर में बिठाने का। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको काम जितनी भी बाहर समझा दे मगर वो निकलते हैं बाहर, तो उनके ऊपर अभी कार्रवाई कर रहे हैं।